लाइक शेयर कमेंट करें इस वीडियो पे और सब्सक्राइब कीजिए डेमोक्रेटिक चरखा को। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा। मैं हूं वाहिद। अभी हम आए हैं पटना के झकरी महादेव में। जी हाँ, बिहार में चुनावी मौसम है, चुनाव की गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं और हालिया में भाजपा की सरकार ने वादा किया है कि अगर वो चुनाव जीतती है तो बिहार में कोविड के फ्री इंजेक्शन बांटे जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि कोरोना की जाँच होगी तब ना। ये आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ एक कोविड केयर कैंप लगा है, यहाँ कोरोना की जांच होती है। लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि जो जांच के सैंपल आ रहे हैं वो बिल्कुल इररेगुलर आ रहे हैं, ना वो पॉजिटिव आ रहे हैं ना वो नेगेटिव आ रहे हैं, बिल्कुल एरर मार्जिन पे जो ये जांच के सैंपल आ रहे हैं, इससे जो लोग जांच करा रहे हैं उनमें संशय की स्थिति ये बनी रहेगी कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव। आइए हम अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या हालत है। आप देख सकते हैं कि कोरोना की जांच का भी जो जगह है वो ऐसी जगह कोविड की जांच हो रही है, जो पूरी तरह से वैश्विक महामारी है जिसने बड़े बड़े देशों को ढाके रख दिया है। तो हम अंदर चलते हैं। तो यहाँ पर ही ये फिलहाल कोरोना के जांच का कैंप लगा है और हमारे साथ दो लोग हैं। सर अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम अरविंद चंद्र सेन, लैब टेक्नीशियन। लैब टेक्नीशियन है आप सर। तो ये बताइए कि जो लोगों के यहाँ शिकायत आ रही है कि कोविड का जो रिजल्ट आ रहा है वो एरर में आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन सस्पिशन तो मुझे भी है कि तो हम संतुष्ट नहीं हैं इस किट से। अच्छा, तो मतलब आप भी एज अ लैब टेक्नीशियन संतुष्ट नहीं है इस टेस्ट किट से? तो ऐसा हो सकता है क्या कि ये जो टेस्ट किट की क्वालिटी खराब है इस वजह से हो सकता है इसमें ऐसा होना? सर इसके बारे में तो हम इसका मैंने कहने का मतलब कि इसकी इसका परख तो हम नहीं कर सकते हैं ना कि ये किट सही बनाया गया या गलत बनाया गया, लेकिन जाँच करने से पता चलता है कि बहुत से ऐसे किट हैं जिसका रिजल्ट न निगेटिव शो करता है न पॉजिटिव शो करता है। देखिए सर, उसके बारे में क्या कहा जाए, जैसा कि मेरे पास प्रूफ भी है। देखिए तो कल मैं टेस्ट किया था, हाँ, जिसका नंबरिंग है पेशेंट नंबर के साथ जी। इसको अगर डिटेल इस तरह से पिक्चर दिया जाए इसको जी, क्या कहा जा सकता है निगेटिव या पॉजिटिव? तो सर खुद ही भी मुझे भी ये संतुष्टि नहीं होती है। तो एक मिनट सर, खुद सेटिस्फाई नहीं होते कि हम समाज सेवा का काम करते हैं, सरकार के निर्देश का पालन करते हैं, उसके बाद इस तरह का अगर रिजल्ट आए तो ये फीलिंग होती है कि मैं मेहनत किस लिए करता हूँ। जाहिर सी बात है कि आपको ये मेहनत बेकार। अच्छा ये बताइए कि इसमें संभावना हो सकती है कि जो रिजल्ट एरर आया है उसमें व्यक्ति की संभावना हो सकती है कि वो कोविड पॉजिटिव हो? उसका तो सर एक डॉक्टर के द्वारा डायग्नोसिस करने पर ही फीलिंग किया जा सकता है। मतलब ये रैंडम टेस्ट किट जो हम लोग UPSC के एपिसोड में कराए हैं, हमको भी पता है वो काम कैसे करती है, मैंने खुद भी कराया था और टेस्ट किट। लेकिन इसमें ये भी तो संभावना है ना कि जहाँ एरर दिखा रहा है वो बंदा अगर कोरोना पॉजिटिव है तो वो भी खतरनाक है क्योंकि वो बीमारी का ट्रांसमिशन औरों में कर रहा है। सस्पेक्टेड तो माना जा सकता है, लेकिन डायग्नोसिस करने पर कि उसको ऐसे मैं पूछ लेता हूँ, हाँ, कि आपको इस तरह का रिजल्ट आने पर उसे अगर यहाँ पर आप पास में मौजूद रहता है, क्योंकि हाँ, जब तक रिजल्ट उसको नहीं बताते हैं निगेटिव या पॉजिटिव तो जाता नहीं है लोग, हाँ, तो अगर मुझे पता हो गया उसको पूछते हैं कि कभी किस तरह का शिकायत नहीं ना, 8-10 दिन से बुखार उखार नहीं ना आया, सर्दी खांसी नहीं ना हुआ है, अगर वो बोले कि नहीं सर ऐसा तो कुछ नहीं है तो कहते हैं कि ठीक है बढ़िया से आप जाइए आराम से संतुष्ट रहिए। अच्छा ऐसी स्थिति में आपके पास कोई MBBS डॉक्टर यहाँ अवेलेबल नहीं है अभी? यहाँ पर कोई अवेलेबल कैंप लगा हुआ है तो मतलब जहाँ आपके टेस्ट किट फॉल्स हो रहे हैं गिर रहे हैं आपको भी रिजल्ट पता नहीं, आप सस्पेक्टेड में आते हैं और MBBS डॉक्टर भी नहीं है जो ये फाइनलाइज कर सके, क्योंकि देखने में कई ऐसे केस आए हैं जो एसिम्प्टोमेटिक है, जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जो कोरोना की जाँच को पता चला, जो कोरोना की उनकी जांच हुई तब पता चला कि वो कोविड पॉजिटिव है, उनके अंदर कोई भी सिम्टम्स जो UN की गाइडलाइंस है उससे नहीं आए थे। तो ऐसी स्थिति में तो ये और भयावह हो रहा है, सरकार की तरफ से डॉक्टर भी नहीं है और टेस्ट किट भी ऐसी है। तो जहाँ तक जानकारी की बात है तो मैं बताऊँ कि मैं भी यहाँ पर पेशेंट से अगर पूछता हूँ, हाँ, पॉजिटिव आने पर ही पूछता हूँ, कोई सिम्टम ऐसा नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन रिजल्ट पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव के हिसाब से हमारे मेडिकल अफसर उनको ट्रीटमेंट करते हैं, गाइडलाइन देते हैं। तो सर का कहना था कि ये जो डिफ़ॉल्ट किट्स है इनमें जो फॉल्ट आया है इसके बारे में वो नहीं कह सकते, हम इसके बारे में लगातार स्वास्थ्य अधिकारी से भी बात कर रहे थे, सिविल सर्जन से भी हमने मिलने का टाइम मांगा था जो हमें नहीं मिला। हम इस रिपोर्ट के बाद फिर सिविल सर्जन के अस्पताल में जाएंगे और दिखाना चाहेंगे कि क्या हालत है यहाँ की कोविड टेस्ट की। और सर हमें दिखाना चाह रहे हैं कि जो डिटेल्स है जो फेल सैंपल किट्स है उनके बारे में बता रहे हैं कुछ अंदर डाल दिया गया। तो ये क्या है, ये सारे फेल एरर सैंपल्स में ऐसा आते हैं?
इसमें आपको खुद कंफ्यूजन है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव। आप देख सकते हैं कि इसमें जो कोविड टेस्ट की ये जो मशीन है, इसमें ना ये सी पर है ना ये टी पर है। जब हमने पिछली बार यूपीएससी में जांच किया था तो वहाँ हमें लैब टेक्नीशियन ने बताया था सी का मतलब कंट्रोल होता है, यानी कि पेशेंट जो है वो कोविड नेगेटिव है, और टी का मतलब है कि वो पेशेंट कोविड पॉजिटिव है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो रेड लाइन है ये दोनों के ऊपर बनी हुई है। अब ये एक काफ़ी संशय की स्थिति हो जाती है कि पेशेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव। ऐसे में जो स्वास्थ्यकर्मी है उनकी भी जान को खतरा है कि वो किस संक्रमित व्यक्ति से मिल रहे हैं या असंक्रमित व्यक्ति से। अगर वो व्यक्ति संक्रमित है और वो यहाँ से वापस जाता है, जैसे उन्होंने बताया कि वो अपने आधार पर उसे पूछ लेते हैं कि सर्दी बुखार के लक्षण हैं कि नहीं। अधिकतर मामले जो कोविड के नए आ रहे हैं उसमें लक्षण नहीं मिल रहे हैं, जैसे शहनवाज हुसैन है, सुशील कुमार मोदी है, इनमें कोविड की कोई लक्षण नहीं मिली थी, इन्हें जांच से पता चला था। अगर वो व्यक्ति कोरोना संक्रमित होता है, वो अपने घर पड़ोस आस पड़ोस के मोहल्ले में जाता है, तो वो कितने ही लोगों को संक्रमित कर सकता है। बिहार की सरकार जो NDA और JDU की मिली जुली सरकार है, वो ये दावा कर रही है कि वो कोरोना के वैक्सीन चुनाव जीतने पर बांटेंगे। फिलहाल वो ऐसी टेस्ट किट प्रोवाइड नहीं कर पा रही है कि जो ये बता सके कि लोग पॉजिटिव हैं या नेगेटिव है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे हम यहाँ अभी झकरी महादेव के पास खड़े हैं, और जो लैब टेक्नीशियन है यहाँ, आप देख सकते हैं कि व्यवस्था कितनी ख़राब है कि इनको साबुन से हाथ धोना है तो हाथ धोने के लिए ना यहाँ सरकार की तरफ से पानी की व्यवस्था है ना साबुन की व्यवस्था है। फिलहाल हमने अपनी तरफ से एक पेपर सोप का बैग दिया डॉक्टर साहब को, टेक्नीशियन साहब को, हाथ धोने के लिए, और आसपास के लोगों की मदद से अभी उनके पास पानी पहुंचा है तो वो हाथ धो रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि क्या ख़राब हालत में यहाँ काम हो रहा है और सरकार स्वास्थ्य के दावों पर कितनी खरी उतर रही है। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक चैनल पर देख रहे थे तो हमारे चैनल को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखें। आप देख रहे थे डेमोक्रेटिक चरखा, मैं हूँ वाहिद, धन्यवाद। लाइक शेयर कमेंट करें इस वीडियो पर और सब्सक्राइब कीजिए डेमोक्रेटिक चरखा को।